बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं फर्स्ट ईयर के तीसरे चैप्टर का नौवां लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आप कर चुके थे, एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने वाले हैं वो मैं करवाऊँगा आपको। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उन क्वेश्चन को मैं स्किप करूँगा। क्वेश्चन नंबर टू देखें, यहाँ पर कुछ बॉन्ड दिए हुए हैं हैलोजन के और एग्जाम्पल उसने ली हुई है क्लोरीन की और आयोडीन की। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है आपसे, गिव रीजन फॉर द डिफरेंस इन कैलकुलेटेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। आपको ऑलरेडी बताया गया है कि जब दो एटमों की हम बॉन्ड एनर्जी को, किसी बॉन्ड की जब हम एनर्जी को निकालते हैं तो बेसिकली हमने सिमिलर जो एटम होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी से हमने उनकी वैल्यू निकाली होती है। लेकिन जब दो डिफरेंट एटम आपस में जुड़ते हैं तो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से दोनों एटमों में अट्रैक्शन बढ़ जाती है, बॉन्ड ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाती है। तो यही वजह है कि जब हम ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी देखते हैं तो वो हायर आती है देन कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी से, क्योंकि कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी में हमने वैल्यू सिमिलर से निकाली होती है, सिमिलर एटमों से निकाली होती है। लेकिन एक्चुअली में जो रियलिटी में हम जब बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं तो दो डिफरेंट एटम मौजूद होते हैं, उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। इसी का बी पार्ट देखें जी, इफेक्ट ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी ऑन बॉन्ड लेंथ विद रीजन। वो कहते हैं जब बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। आपको पता है कि दो एटमों के दरमियान में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेते हैं जिससे बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है क्योंकि दोनों एटम ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी के बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तीसरा उसने पूछा हुआ है, सी पार्ट है इसका, आयनिक करेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। वो कहता है जी आपको बॉन्ड एनर्जी से कैसे आइडिया होगा कि आयनिक करेक्टर कैसा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो तो आपको पता है बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और जब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो आयनिक करेक्टर भी बढ़ेगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का ज़्यादा होना इस बात का सबूत है कि दोनों एटमों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो तो आयनिक करेक्टर बॉन्ड के अंदर बढ़ जाता है। तो ये है जी इसकी रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नाइट्रोजन की उसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछी हुई है। ये चूंकि आपको करवाई गई है पहले तो इसे छोड़ के मैं आगे जा रहा हूँ। आगे उसने इथाइन की हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर पूछी हुई है, ये भी आपको करवाई गई है, ये भी छोड़ दें आप, आगे चलें जी। ऑक्सीजन का उसने ऑक्सीजन का और ओ प्लस टू का जो है वो पूछा हुआ है पैरामैग्नेटिक करैक्टर। ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक करैक्टर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर ओ टू प्लस टू का भी पूछा हुआ है तो ये मुझे बनाना पड़ेगा। मैं आपके सामने पहले ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो बनाता हूँ तो फिर हम बताएंगे आपको ओ टू प्लस टू कैसे बनेगा। देखेंगे जरा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें जी, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz, 2, 1, 1 ये है आउटरमोस्ट शेल। इसमें s की ओवरलैपिंग आप पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं तो ये मैं स्किप करता हूँ, मैं आपको p की ओवरलैपिंग दिखाता हूँ। यह है 2px, 2py और 2pz, ये भी है 2px, 2py और 2pz। इलेक्ट्रॉन भी इनके अंदर शो करते हैं, चार इलेक्ट्रॉन आपने शो करने हैं p में, और यहाँ पर आएगा सिग्मा 2px, ऊपर आएगा पाई 2py और पाई 2pz, यहाँ पर आएंगे पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, और यहाँ पर आएगा सिग्मा स्टार 2px।
मैं ऑक्सीजन की पहले स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर ओ टू हम देखेंगे कैसे बनता है। आठ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, नीचे से आप फिलिंग शुरू करें, दो ये हो गए, दो चार और दो छः, और दो बच गए हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे, और इन दो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जरूरी होता है कि कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद हो। ऑक्सीजन के अंदर आपको दो अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक है ओ टू। अब उसने पूछा है ओ टू प्लस टू, क्या ये भी पैरामैग्नेटिक है? अब ओ टू प्लस टू का मतलब यह है कि इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाले गए, ये वाले आप दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये डायमैग्नेटिक है। अब क्योंकि O2 प्लस 2 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आपको तस्वीर बनाने का मकसद ये था कि O2 और O2 प्लस 2 में फर्क वाजे किया जाए। तो O2 प्लस 2 में यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ऑक्सीजन के, वो हम निकाल देंगे, फिर इसके ऊपर प्लस 2 चार्ज आएगा, और जब इस पर प्लस 2 चार्ज आएगा तो अब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब है O2 प्लस 2 जो है ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट देखें जी, ये एक न्यूमेरिकल आ गया है, ये डाइपोल मोमेंट से रेलेवेंट है, इससे पहले भी आपने एक न्यूमेरिकल किया हुआ है तो हम इसे परफॉर्म करते हैं। देखें जी जरा, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं पहले। द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 डीबाई एंड द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इज 127 पिकोमीटर, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ HCl। अब HCl का उसने परसेंट आयनिक करैक्टर दिया हुआ है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट भी उसने दिया हुआ है, जो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट है वो मैं आपके सामने निकालने लगा हूँ, बाकी आपने परसेंट आयनिक करैक्टर का फार्मूला पहले ही पढ़ा हुआ है, वही फार्मूला हम लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। देखें जी जरा, पहले आप डाटा देखें जी, बॉन्ड लेंथ उसने दी हुई है 127 पिकोमीटर, बॉन्ड लेंथ 127 जो है इसी को हम आर कहेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियस के दरमियान, ये 127 पिकोमीटर है, और इसे मीटर में बदलने के लिए उसने कर दिया 1.27 × 10⁻¹⁰ मीटर, ये इसे मीटर में इसे कन्वर्ट कर दिया। चार्ज की वैल्यू आप वैसे ही जानते हैं, क्यू होता है 1.6022 × 10⁻¹⁰ कूलम। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट, दैट इज क्यू इंटू आर, और ये आएगी वैल्यू 1.27 × 10⁻¹⁰ मल्टीप्लाई 1.6022 × 10⁻¹⁹, और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.034 × 10⁻¹⁹ कूलम मीटर। ये जी आपका आंसर आया है Q और R को मल्टीप्लाई करने से। अब आप इसे डिवाई में कन्वर्ट कर लें, डिवाई में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसे डिवाइड करना है डिवाई की वैल्यू से 3.336 × 10⁻³⁰। इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6.0955 डिवाई। ये कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट है, जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है वो उसने न्यूमेरिकल में बताया हुआ है, वो है 1.03, जो ऑब्जर्व्ड है उसे ऊपर रखें, कैलकुलेटेड इसको नीचे रखें, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको परसेंट आयनिक करैक्टर मिल जाएगा, परसेंट आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई 100। वैल्यूज लगा दें जनाब, ऑब्जर्व्ड है 1.03 डिवाइडेड बाय 6.095 × 100, और आंसर है इसका 16.88%। 16.88% जो है ना आयनिक करैक्टर मौजूद है ये HCl के बॉन्ड में। आगे जी एक क्वेश्चन यहाँ पर उसने पूछा हुआ है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड,
वैसे तो इस पर काफ़ी बातें पहले भी हो चुकी हैं, थोड़े से मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं बोल देता हूँ आपके सामने। सिग्मा बॉन्ड आपको पता है दो एटमों के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी लीनियर ओवरलैप से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है ये पैरेलल ओवरलैप से बनता है। दूसरा आप जानते हैं कि दो एटमों के दरमियान बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है और जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो पाई होता है। तीसरी बात जो आप जानते हैं वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो ये कंपैरेटिवली मजबूत होता है, पावरफुल होता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है ये कंपैरेटिवली कमज़ोर होता है। चौथा जो डिफरेंस इनके दरमियान पाया जाता है वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटमों के दरमियान जो एक्सिस होता है मॉलिक्यूलर एक्सिस उसके ऊपर होती है, जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर और नीचे होती है, एक्सिस के एग्जैक्ट ऊपर नहीं होती। तो ये बातें जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैंने रिवाइज कर दी हैं। जरा आगे देखें जी, अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ये उसके तीन चीज़ें हमें दी गई हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेस पर हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये लिथियम है, लिथियम प्लस है और लिथियम माइनस है। तो इन सभी को हम लिखते हैं आपके सामने, इनके मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाते हैं तो फिर वाजे होगा इनमें से कौन सी चीज़ स्टेबल है। तो मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ। पहले हम Li2 की बना देते हैं डायग्राम, लिथियम 2 की। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। अब इसकी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएगा, ये 2s है एक एटम का, ये 2s है दूसरे एटम का, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसका नाम है सिग्मा 2s और इसका नाम है सिग्मा स्टार 2s। ये मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिथियम की आपके सामने बना दी है। अब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है, दोनों इसमें आ जाएंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें जरा इसका, तो वो आएगा 2 - 0/2=1। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। आप देख रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, 0 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, और डिवाइड कर दिया 2 से, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, यानी एक बॉन्ड बन गया। अब दूसरी फिगर देखें, उसने कहा है Li2+ इसकी बात कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो आप यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। अब अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो हाफ आएगा, इसे वन करते हैं तो ये 1/2 यानी 0.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। आप देख लें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो गई है, पहले एक बॉन्ड था अब हाफ बॉन्ड है। अब तीसरी फिगर पर आए, Li-, अब नेगेटिव करते हैं इसको, ये ओरिजिनल तस्वीर मैंने दोबारा बना दी है। Li- का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, आप भी बढ़ा देंगे और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आप भेज दें। अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो देखें 2 - 1, आंसर अब भी आपका हाफ आएगा, यानी अब भी मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी कम हुई है। तो वो दोनों एटमों के दरमियान बॉन्ड जो है ना वो एक नहीं है बल्कि हाफ है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो Li2 है और उसके बाद Li2- और Li2+ दोनों इक्वल हैं, लेकिन दोनों की स्टेबिलिटी से कम है क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 आया था, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ आया है, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हाफ आया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया है। आगे चलें जी, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10, उससे पूछा हुआ है डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड इज वीकर देन अ डबल बॉन्ड, इसकी क्या वजह। उसने कहा है कि डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर नहीं है। मैं आपको रीजन बता देता हूँ उसकी, इसकी रीजन ये होती है कि दो एटमों के दरमियान जब डबल बॉन्ड आता है तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, अट्रैक्शन उनकी बढ़ जाती है, बॉन्ड मजबूत हो जाता है।
लेकिन जब हम उन्हीं दो एटमों के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो वो दोनों एटम एक दूसरे के इतना ही करीब आ जाते हैं कि रिपल्शंस क्रिएट हो जाती हैं। तो बजाय ये कि स्टेबिलिटी मिले, मालिकूल थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। तो यही वजह है कि सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर नहीं होता, क्योंकि एटम हद से ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं जिसकी वजह से रिपल्शंस क्रिएट होती हैं। तो स्टेबिलिटी के लिहाज से आप कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ट्रिपल बॉन्ड दूसरे पे है और सिंगल बॉन्ड सबसे कमज़ोर है। तो ये इसका ऑर्डर है। ये आपका चैप्टर तीसरा ख़त्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका वो नए चैप्टर से, यानी चौथे चैप्टर से हम शुरू करेंगे और इसको हम प्रोलोंग करके अब आप 15 सितंबर तक लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक का जो आपका सिलेबस था वो 15 जुलाई तक का हमने डिज़ाइन किया था। अगले लेक्चर आपके जो है ना वो अगस्त और सितंबर को सामने रख के दिए जाएंगे। थैंक यू।